एंड्रॉयड 12 बेस्ड ऑक्टावी ओएस का 3.0 अपडेट आ चुका है रेडमी K20 प्रो के लिए एंड काफी सारे डिवाइसेस के लिए ऑलमोस्ट यहां पर रिलीज हो चुका है और हो जाएगा थोड़े दिनों के अंदर अगर आपको नहीं मिला तो। इसके अंदर क्या चेंजेस हैं Redmi K20 Pro के लिए, सोर्स साइड से सभी डिवाइसेस के लिए क्या चेंजेस हैं उसकी बात करेंगे। सो सबसे पहले तो K20 Pro के अंदर अगर आप फ्लैश करने वाले हो तो OSS वेंडर आपको इस रोम के अंदर इनबिल्ट मिल जाएगा और उसके साथ आपको Android 10 का फर्मवेयर फ्लैश करना होगा। रोम कैसे फ्लैश करनी है उसके रिगार्डिंग वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, जाके उसी वीडियो को आप फॉलो कर सकते हो। Android 11 हो 12 हो कोई भी आप फ्लैश कर सकते हो। सबसे पहले अबाउट फोन की बात करेंगे तो ऑक्टावी ओएस आपको ऊपर लोगो देखने को मिलता है। एंड्रॉइड 12 ऑक्टावी वर्जन 3.0 अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच लेवल, गूगल प्ले सिस्टम सितंबर से अपडेटेड है और सोवियत स्टार कर्नल मिलता है। परमिसिव आपको सिरिनिक्स स्टेटस यहां पे मिल जाता है। सबसे पहले चेंजेस की बात करेंगे जो कि आपको सेटिंग के अंदर मिलते हैं, तो जो चेंजेस है ना वो यहाँ पे टोटली अभी आप देख सकते हो, जो यूआई है वो टोटली चेंज हो चुकी है। अगर आप इसको कंपेयर करते हो एंड्रॉइड 11 के साथ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऐसी यूआई देखने को मिलेगी। ये अबाउट फोन का सेक्शन है, ये सिस्टम है और यहाँ पे जेस्टर्स आपको मिल जाते हैं। जेस्टर्स के अंदर थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट मिल जाता है बट यहाँ पे लॉन्ग स्क्रीनशॉट अभी के लिए इंप्लीमेंट नहीं किया गया और यहाँ पे जेस्टर्स की सेटिंग्स आपको ये वाली देखने को मिलती है। सो अभी के लिए जस्ट ज्यादा फीचर्स आपको एडिड नहीं मिलेंगे। 2 बटन 3 बटन सब कुछ आपको मिल जाता है जो कि आप यूज कर सकते हो। वन हैंडेड मोड आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो कुछ इस तरीके से आपका वर्क करता है और ये आपको फर्दर और यहाँ पे ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। सिस्टम अपडेट रहे, ओटी अपडेट्स वगैरह चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट, कनेक्टेड डिवाइसेस, लोकेशन, एप्स, नोटिफिकेशन। बैटरी के ऊपर आते हैं तो बैटरी परसेंटेज इनेबल करने का ऑप्शन है। जो बैटरी यूसेज वाला सेक्शन है ना वो अभी एंड्रॉइड 12 के लेटेस्ट बीटा अपडेट से अपडेट नहीं हुआ, ये थोड़ा ओल्ड ही आपको देखने को मिलता है। सो अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूं तो ऑलमोस्ट आपको 6 से 7 घंटे के आसपास यहाँ पे आराम से स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे मिल जाएगा बैटरी बैकअप। एंड चार्जिंग स्पीड काफी एक्सीलेंट है, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली। और साउंड के अंदर चेक कर लें तो मी साउंड इनहेंसर आपके लिए प्रेजेंट है। उसके बाद क्लियर स्पीकर का भी ऑप्शन है, पिक्सल के साउंड्स आपको मिल जाते हैं। डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले के अंदर आपको टैप टू वेक का ऑप्शन मिलता है। टैप टू वेक यहाँ पे वर्किंग है, आपको दिखा देता हूँ। सो टैप टू वेक आपको एक बार से मैं चेक करवा देता हूँ। टैप टू वेक आपका वर्किंग है, AOD आपका वर्किंग है। उसके बाद स्क्रीन ऑफ FOD की जो स्पीड है, स्क्रीन ऑफ FOD नहीं सॉरी, ये आपको नॉर्मल स्पीड देखने को मिल जाती है जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। सो कुछ ऐसी स्पीड आपको देखने को मिलेगी और ये कलर्स के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, नाइट लाइट और बाकी सभी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर ही यहाँ पे रहने वाली हैं। वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर पिक्सल 5 पिक्सल 6 सीरीज से आपको अपडेटेड लुक मिलता है। थीम्ड आइकन वर्किंग है, ऐप ग्रिड्स आप चेंज कर सकते हो बट एक ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता जो होता है वॉलपेपर कलर्स का, तो वो अभी ऐड यहाँ पे नहीं किया गया। और यहाँ पे गेमिंग मोड भी वैसे आपको अभी नहीं मिलता, तो जस्ट एक बीटा अपडेट है जो कि आप चेक कर सकते हो। फिंगरप्रिंट के अंदर आपको सिर्फ जो है सिक्योरिटी के अंदर फिंगरप्रिंट ही मिलेगा और पासवर्ड आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। सब चीजों के ऊपर आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल जाता है पिक्सल लॉन्चर और ये आपको बाय डिफॉल्ट लॉन्चर मिलता है। कुछ थर्ड पार्टी एप्स के ऊपर अगर आप थीम्ड आइकॉन अप्लाई करना चाहते हो तो एक रिमाइंडर है, उसके रिगार्डिंग वीडियो मैंने डाल दी है चैनल पे, अगर आप रूटेड हो तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड की बात करें, कुछ ऐसी आपको स्पीड मिल जाती है, लिटरली काफी स्मूथ रोम आपको मिल जाती है क्योंकि एंड्रॉइड 12 इतना ज्यादा ओपी है ना कि मजा आ जाएगा जब आप इसको इंस्टॉल करोगे, चाहे कोई भी रोम हो तो सबके अंदर ही आपको जो एक्सपीरियंस है ना वो काफी ज्यादा अमेजिंग मिल जाता है। और जो एनिमेशन है ना वो आप देख सकते हो काफी ज्यादा सुपर स्मूथ देखने को मिल जाते हैं। एंड इंस्टेंट ऐप ओपनिंग स्पीड तो अभी के लिए आप बोल सकते हो नहीं मिलेगी बट हाँ जो स्पीड है ना वो काफी अच्छी है एंड कोई दिक्कत वगैरह मेरे को यहाँ पे नहीं आई। और ये आपको मिल जाता है शेयरिंग का ऑप्शन जो कि आप फोटोज के अंदर डायरेक्टली कर सकते हो, रिसेंट्स का मेन्यू है क्योंकि ये पिक्सल लॉन्चर का फीचर है। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉपी लिंक का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो सभी चीजें आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे पिक्सल वाली देखने को मिलती है जो कि पिक्सल लॉन्चर के अंदर थी। नेक्स्ट आते हैं, डिवाइस आपका सर्टिफाइड है, विदाउट रूट आप बैंकिंग एप्स यूज कर सकते हो। DRM इन्फो के अंदर आपको वाइडमैन L1 मिल जाता है। F2FS के अंदर मैंने इसको फ्लैश किया है, आप F2FS के अंदर भी फ्लैश कर सकते हो। जो वीडियो का लिंक मैंने दिया है उसके अंदर F2FS का भी मेथड आपको बताया है, EXT4 का भी आपको बताया है। जो कैमरा यहाँ पे मिलता है वो कुछ इस तरीके से ये कैमरा है, सो अगर आप यूज करना चाहते हो तो इसको कर सकते हो, अदरवाइज Gcam काफी अच्छे से वर्किंग है। एक चीज की प्रॉब्लम आएगी आपको, में हो सकता है YouTube वीडियो देखते टाइम भी आपको प्रॉब्लम आए, तो आपको आएगी जब आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे ना तो आपको ऑडियो यहाँ पे कैप्चर नहीं करेगा। आप जो है एक्सटर्नल माइक भी ट्राई कर सकते हो, उसके साथ भी आपको इश्यू आएगा, तो
तो उसके लिए करना क्या है, यहाँ पे आना सर्च के अंदर और वॉइस मैच के ऊपर क्लिक करना, वॉइस मैच सर्च करना है बेसिकली, और ये वाला जो आपको ऑप्शन मिलता है ना हे गूगल का, उसको आप जो है डिसेबल कर देना। उसके बाद सभी चीजें आपकी यहाँ पे वर्क करने लग जाएंगी। स्पेशली तो यहाँ पे ऑडियो का ही प्रॉब्लम मैंने फेस किया था, और वैसे कोई मेरे को दिक्कत वगैरह इस रॉम के अंदर अभी के लिए नहीं आई। रॉम काफी स्टेबल सी आपको फीलिंग आएगी एंड यूज करते टाइम काफी अच्छा आपको एक्सपीरियंस होगा। अब आते हैं Geekbench 5 के ऊपर। तो यहाँ पे सोवियत स्टार कर्नल है क्योंकि OSS वेंडर बेस्ड रॉम है, तो 745 सिंगल कोर एंड 2632 के आसपास मल्टी कोर स्कोर है, और Geekbench 5 का स्कोर तो हमने देख लिया। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे इसके सीपीयू थ्रॉटलिंग ग्राफ के ऊपर। तो ये रहा इसका सीपीयू थ्रॉटलिंग ग्राफ, देख सकते हो 91% तक आपको सीपीयू थ्रॉटल्ड मिलता है, 192,000 के आसपास एवरेज मैक्सिमम GIPS एंड 182,000 के आसपास एवरेज है। ये स्पीड देख सकते हो, ये आपको कुछ ऐसी स्पीड देखने को मिल जाती है मैक्सिमम और मिनिमम वगैरह। तो मेरे को चार्जिंग के रिगार्डिंग भी कोई दिक्कत नहीं आई। रही बात गेमिंग की, तो गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, कोई मेरे को ज्यादा इशू नहीं आया। अगर मैं एक्चुअली मैं बताऊं ना, जो स्मूथनेस आपको एंड्रॉयड 12 के ऊपर गेमिंग के अंदर मिलती है ना, वो आपको एंड्रॉयड 11 के अंदर किसी भी रॉम के अंदर नहीं मिलती। इवन मैंने साइबेरिया जो है ट्राई की थी ना, तो मेरे को सिर्फ एक ही कमी वहां पे लगती थी, वो थी यहाँ पे स्मूथनेस। तो वो चीज आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ मैं गेमिंग कर रहा था, जो एक्सपीरियंस है ना वो काफी अच्छा रहने वाला है। बट अभी के लिए हार्डकोर गेमिंग के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, हो सकता है थोड़े मल्टीटच के इशू आ सकते हो, या फिर थोड़ा हीट भी करता है डिवाइस, क्योंकि यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था और फैन वगैरह ऑफ था, तो थोड़ा सा मेरे को हीटिंग इशू लगा। बट नॉर्मली कोई दिक्कत वगैरह आपको नहीं आएगी। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और चैनल पे न्यू आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।